डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक या जिस लेक्चर को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइसोटॉपिक स्पीशीज इन द मॉलिक्यूल, यानी अणु में समस्थानिकों के विनिमयों के अनुप्रयोग। ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी थर्ड ईयर जो हमारी क्लास है उस क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक है। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर पढ़ा आइसोटोपिक इफेक्ट के ऊपर, जिसमें हमने कार्बन 12 और कार्बन 13 के बारे में वहां पर बात करी थी। वहां पर जब हमने पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था हम लोगों ने कि जो स्पेक्ट्रा होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई यानी जड़त्व आघूर्ण आई और रोटेशनल कॉन्स्टेंट बी के ऊपर डिपेंड करता है। उसी को आगे बढ़ाते हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हम कह सकते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो है एप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइसोटोपिक स्पीशीज इन द मॉलिक्यूल, यानी अणु में समस्थानिकों के विनिमय के अनुप्रयोग। अब आइसोटोप्स तो हम लोग जानते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर क्या है आइसोटोपिक इफेक्ट, यानी समस्थानिकों के एक्सचेंज के प्रभाव द्वारा आइसोटोपिक मास जो होता है उस मास का निर्धारण किया जा सकता है। क्लियर, हम मानते हैं कि हमारे पास में कोई एक परमाणु है, ठीक है, उस परमाणु में दो समस्थानिक रूपों को हम एक और दो से दर्शाते हैं। जिस हम लोगों ने बात करी थी यहां पर हमने कहा था कार्बन 12 और कार्बन 13, हम इस कार्बन 12 को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे और कार्बन 13 को 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया। जब रोटेशनल कॉन्स्टेंट बी की और रिड्यूस मास एम की बात करते हैं तो बी तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था यह घूर्णन स्थिरांक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल कॉन्स्टेंट कहते हैं। म्यू क्या होता है, समानित द्रव्यमान, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, रिड्यूस मास। क्लियर, अब हम बात करते हैं एक और जो वर्ड है की है वो है आय, जिसको हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम क्या करें, हमने कहा कि हमने हमारे पास में दो आइसोटोप है कार्बन 12 और कार्बन 13, कार्बन 12 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1 से और कार्बन 13 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने 2 से। हम कह रहे हैं कि तब रोटेशनल कांस्टेंट बी समानित द्रव्यमान यानी कि रिड्यूस मास म्यू और उसका जड़त्व आघूर्ण यानी कि आई, दोनों आइसोटॉप्स के लिए क्या होगा, तो इसके लिए बी वन इसके लिए बी टू हो जाएगा रोटेशनल कांस्टेंट, रिड्यूस मास म्यू वन म्यू टू हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन और आई टू हो जाएगा। क्लियर, अतः हम क्या कर सकते हैं, यदि हम इसको लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि b प्रोपोर्शनल टू 1 बाय i होता है, ये हम लोग जानते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी वन प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या हो जाएगा i1, इसी तरीके से बी टू प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या हो जाएगा i2 हो जाएगा। क्लियर, अब हम क्या कर सकते हैं, यदि इन दोनों इक्वेशन की बात करें, हमने इसको इक्वेशन नंबर ए दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर बी दे दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी वन बाय बी टू यानी समीकरण एक और दो से क्या लिखेंगे, आई टू बाय आई वन, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर, हमने इसको इस तरीके से इक्वेशन नंबर क्या कर दिया, फर्स्ट दे दिया। चलो अब हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई यानी कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है आई वो म्यू आर स्क्वायर होता है, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अंतर्नाभिक की दूरी आर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम कार्बन 12 वाला सीओ ले लें और कार्बन 13 वाला भी सीओ ले लें, दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन से ऑक्सीजन के बीच की जो दूरी है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर, यानी कि इसमें आर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, इसलिए समस्थानिक यानी जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एक्सचेंज करने से, उनका विनिमय करने से क्या होगा, उस मॉलिक्यूल के जड़त्व आघूर्ण का जो रेशियो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो अनुपात होता है वह
समानित द्रव्यमान यानी रिड्यूस मास म्यू के एक अनुपात में हो जाता है। अब वो किस तरीके से होता है देखो, हमने क्या कहा उसको मैं एक बार दोहराता हूं। हम ये कह रहे हैं कि हमने कार्बन 12 और कार्बन 13 लिया, तो कार्बन 12 और कार्बन 13 लेने से उसकी रेडियस यानी कि अंतर्नाभिक की दूरी में परिवर्तन नहीं आता है। जब परिवर्तन नहीं आया है तो जो जड़त्व आघूर्ण होता है आई और जो रिड्यूस मास होता है म्यू वो उसके अनुपात में होता है। कैसे होगा, हम लिख रहे हैं यहां पर I2 / I1 इक्वल टू I2 और I1 क्या हो गया रिड्यूस, I1 और I2 क्या हो गया हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण हो गया यानी जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर μ2 r² / μ1 r² क्लियर है। देखो R1 R2 नहीं लिख रहे क्यों, क्योंकि उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि अंतर्नाभिक की दूरी में परिवर्तन नहीं आता है तो R तो वही रहेगा। चेंज क्या हुआ B1 B2 I1 I2 μ1 μ2। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं R² कट गया तो हम लिख सकते हैं μ2 / μ1 रिड्यूस मास की बात होगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर कौन से लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम कह रहे हैं हमारे पास समीकरण 1 और 2 है तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम यहां पर I2 / I1 ये देखो I2 / I1 किसके इक्वल है उसकी तरफ चलो μ2 / μ1 के और किसके इक्वल हो गई यहां पर देखे तो B1 / B2 के इक्वल हो गई। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाते हैं। अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था उसकी तरफ चलते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि B1 / B2 = μ2 क्या होगा μ1 हो जाए। क्लियर, किंतु हम लोग म्यू के बारे में क्या जानते हैं उसकी तरफ भी चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि म्यू क्या होता है रिड्यूस मास होता है यानी कि समानित द्रव्यमान होता है। तो म्यू जो हमारे पास में रिड्यूस मास यानी कि समानित द्रव्यमान होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं तो म्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं m1 × m2 / m1 + m2 × 1 / n इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर, अब जब हम इसको लिख रहे हैं 5 मिनट। अब यदि दो आइसोटॉप्स फॉर्म की बात करें हम लोग कौन कौन से कार्बन 12 और कार्बन 13 की बात कर रहे हैं तो जब दो की बात कर रहे हैं तो दोनों को हम लिखते हैं कैसे लिख सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो हम दोनों के रिड्यूस मास की बात करें यानी कि समानित द्रव्यमान की बात करें जब समानित द्रव्यमान की बात की जाएगी तो कैसे लिखेंगे μc12 और μc13 = क्या हो जाएगा तो देखो कार्बन का मास कितना है 16 इंटू हमारे पास में ऑक्सीजन का मास कितना है सॉरी कार्बन का मास 12 ऑक्सीजन का मास कितना है 16 प्लस क्या हो जाएगा 12 इंटू क्या लिख सकते हैं 1/n एवोगैड्रो। अब यहां पर हमें ऑक्सीजन का मास तो पता है पर कार्बन का पता नहीं है तो हमने क्या लिखा ऑक्सीजन का मास तो हमें पता है तो हमने लिखा 16.0 नहीं है और कार्बन का पता नहीं तो हमने क्या मान लिया m। इसी तरीके से 16 प्लस क्या लिख देंगे हम लोग m इसको ऐसे लिख देते इंटू क्या हो जाएगा 1/n। क्लियर है, अब हम कह रहे हैं कि हम यहां पर नहीं जानते हैं कि हमारे पास में कार्बन 13 तो हमने इसको m मान लिया। यहां पर जो μcm दिया हुआ है वो अननोन कार्बन का आइसोटोपिक मास है जिसे हमने कार्बन 12 से एक्सचेंज कर दिया यानी परिवर्तित कर दिया। जब हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि कार्बन 12 का एटॉमिक नंबर 6 है और मास 12 है पर जो सी एम दिया हुआ इसका एटॉमिक नंबर तो 6 हो जाएगा पर मास हमें पता नहीं तो हमें वो पता करना। तो हम क्या कह रहे हैं कि म्यू सी 12 जो है वह क्या है सीओ मॉलिक्यूल का जड़त्व आघूर्ण है तब कार्बन 12 जो होता है यानी कार्बन जो 12 है वो किस फॉर्म में समस्थानिक यानी आइसोटोप्स के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हम ये कहें कि हमारे पास में रोटेशनल कांस्टेंट 2 है B1 और B2 तो B1 तो हमें जिसका पता उसका हो गया और B2 नहीं पता
तो हम क्या लिख सकते हैं, बी वन बाय बी टू इक्वल टू, हमने किसकी बात करी थी, रिड्यूस मास की बात करी थोड़ी देर पहले, तो हमने लिखा था म्यू टू बाय म्यू वन था, तो हम क्या लिख सकते हैं म्यू सी एम बाय म्यू सी ट्वेल्व, एम का मतलब अननोन मास हो गया। अब हम जब बात करते हैं इसकी सीओ की यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें नहीं घूर्णन स्पेक्ट्रा की, तो घूर्णन स्पेक्ट्रा से किसकी बात हो रही है, सीओ की, तो सीओ मॉलिक्यूल के लिए क्या वैल्यू होती है, तो मॉलिक्यूल के लिए B1 का मान जो होगा यानी B1 की वैल्यू 1.92118 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, तो B2 के लिए क्या होगी, तो B2 के लिए इसकी जो वैल्यू होती है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 1.8369 हो जाती है, ठीक है 1.8369 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, बी वन होगी, तो हम जानते हैं कि बी वन इक्वल टू बी टू, तो हम क्या लिख सकते हैं 1.92118 बाय 1.83669 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यदि हमने इसको इस तरीके से लिखा, किसकी वैल्यू थी, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बी वन और बी टू की वैल्यू, जब हम बी वन और बी टू की वैल्यू लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, उसकी तरह चलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि B1 by B2 equal to, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, म्यू सी एम बाय म्यू सी ट्वेल्व, ये हम लोग जानते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, B1 की वैल्यू क्या 1.92118, ठीक है, बाय 1.83669 इक्वल टू क्या होगी 16 इंटू एम, ठीक है 16 इंटू एम बाय 16 प्लस एम, ठीक है फिर आगे क्या लिख सकते हैं इसी तरीके से, यहां पर 16 प्लस 12 और यहां पर लिखा जा सकता है 16 इंटू 12, क्लियर। यदि हम इसको सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, उसकी तरफ चलते हैं, तो 448 एम माइनस क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं 200.832m, यदि इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर निकल कर आता है 3213.312, और यदि इसको मैं सिस्टमेटिक लिखूं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.0045 आ जाता है, यानी m निकल कर आएगा जो कि कार्बन 13 का क्या हो जाता है, मास हो जाता है। तो हमने कहा दो आइसोटोप से कार्बन 12 और कार्बन 13, तो कार्बन जो cm है उसको हमने अननोन माना था, तो यहां पर इसको सॉल्व कर सकते। तो ये तो था हमारा टॉपिक, कौन सा, आइसोटोपिक स्पीशीज इन द मॉलिक्यूल बाय रोटेशनल स्पेक्ट्रा। थैंक यू स्टूडेंट्स।